देख रहे हैं BMW। अरे दोस्त यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी अभी मैंने मोबाइल में देखा है कि भूल भुलैया का जो है 2 आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। भूल भुलैया 2 आ रहा है और वो भी कार्तिक आर्यन, वही समझ में नहीं आ रहा है। अक्षय कुमार को रिप्लेस, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है अक्षय कुमार को क्यों रिप्लेस कर रहे है, समझ। इतना अच्छा जो है भूल भुलैया जो है सुपर डुपर हिट मूवी थी और इतना चली थी, अभी ये देख रहा हूँ कि मेरे को कार्तिक आर्यन को क्यों ले रहे, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि कार्तिक आर्यन उधर 2-3 पिक्चर हिट दे देना, सोच रहे कि हिट मशीन हो गए। एक बात बोलूं, लव आजकल 2 उनको मतलब पार्ट दूसरा ही मिलता है, सर 2 बनाते हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, लव आजकल और बनाता है, दूसरा पार्ट ये बनाता है। लव आजकल 2 जो बुरी तरह पिट गई मूवी, मैं बोलूंगा ना जो जिसमें मैं जो हीरो है ना आप उसी से बनवा लो 2, ये कार्तिक आर्यन को मत लो, क्योंकि वो लव आजकल 2 फ्लॉप दे चुका है। अगर सैफ अली खान से लेके बनाते ना हिट हो जाती, मगर कार्तिक आर्यन को लेकर बना रहे हो और भूल भुलैया 2 में भी उन्हीं को ला रहे हो। अभी आगे आने वाली दोस्ताना 2 तो उनका नाम आ रहा, हेरा फेरी 2-3 उनका नाम आ रहा, मतलब जितना सीक्वल है ना सब इन्हीं को मिल रहा है, सब 2 ही 2 ही मिल रहा है। और वो एकदम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, मैं तो यही बोलूँगा चाहे कोई भी करने दो, मैं तो यही बोलूँगा भूल भुलैया जो है अक्षय कुमार बेस्ट। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर ये भूल भुलैया में अगर अक्षय सर करेंगे काम तो ये गारंटी है कि ब्लॉकबस्टर रहेगी ही रहेगी। और पब्लिक जो है जितना भूल भुलैया 1 देखी थी उससे डबल जो है ये 2 देखेगी, क्योंकि 2 सीक्वल जो है साउथ में नहीं बनी है। ये भूल भुलैया तो कितना अच्छा बना था। हाँ वही कार्तिक आर्यन को दिया जाए तो मतलब समझो वो अक्षय कुमार का जगह तो मैं तो बोलूंगा ना अगर कार्तिक आर्यन ने अगर ये भूल भुलैया 2 कर लिया ना, हाँ लव आजकल का कैसा वार्ड लगाया, हाँ ये भी वार्ड लगा देगा इसको। हाँ ये अक्षय कुमार आए थे भूल भुलैया में, कितनी कॉमेडी थी, राजपाल यादव भी अच्छा कॉमेडी किए थे, अच्छा खासा जो है मतलब अक्षय कुमार सर जो है उसके अंदर अच्छा काम किए थे, मतलब और भी वही आया साधु बाबा वाला। हाँ जैसे हाँ, जो साधु बाबा जैसे पहने हुए ना, हाँ हाँ लग रहा है, जैसे लग रहा है ना अक्षय कुमार तो दिख भी रहे थे हैंडसम, ये तो लग रहा ना कोई क्या बोलते हैं चोर पहुंच के आ गया कि चोरी करने, ऐसा लुक आया सामने, हाँ नहीं अच्छा लगा भाई। गांव भाव में ऐसा है कि कुत्ते भूकेंगे उनको, कुत्ते नहीं नहीं जो भूकेंगे जो भी है, मैं तो यही बोलूंगा कि आप जो है सर अगर आपने जो भी है भूल भुलैया का जो भी डायरेक्शन किए हैं, मैं यही बोलूंगा सर प्रिय दर्शन आपका जो है, आपने इतना बड़ी बड़ी मूवी आपने दिया है, क्यों आपका जो है मूवी से कमा के जो आपका खजाना भरा हुआ क्यों खाली करना चाहते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप जो है ना भूल भुलैया में जो है अक्षय कुमार सर को ही रखिए, मैं यही बोलूंगा अक्षय कुमार सर। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉमेडी में एक्टिंग में वो सही हो, अपन ये अपन लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि कार्तिक आर्यन आप गलत है, गलत आप सही हो, आप करो मूवी करो, मगर अक्षय कुमार कोई अच्छा बड़ा रहेगा अक्षय कुमार को आप ले लो उसमें। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ ना, चलो एक मैं बात बोलता हूँ कि कार्तिक आर्यन को लिए ना चलो ठीक है, लेकिन जो वो रोल में है ना उनको वैसे ही रहने दीजिए, उनको कर दीजिए असिस्टेंट के तौर पे, ले लिए सुने मेरी बात, उनको रख दीजिए ऐसे असिस्टेंट के तौर पे, और जो है अक्षय कुमार को ही साथ में जो है मेन जो रोल दिए और दिए, और अगला जब 3 पार्ट आएगा वो कार्तिक आर्यन जब इसमें दिखे रहेंगे तो अगले में जो है शूट कर जाएंगे गारंटी। मैं तो ये बोलूंगा ना कि देखो अभी भूल भुलैया में अपना अक्षय कुमार था मेन लीड, उनके साथ में एक गैंगस्टर पिक्चर थी इमरान हाशमी का, उसमें हीरो थे वो भी इसमें थे विद्यावालन के अगेंस्ट, तो उनका जगह पे कार्तिक को कर दो, सबसे बेस्ट है। अभी वो चले गए उनके जगह पे कोई नहीं, क्योंकि वो कुछ गलत हो गया, वो अभी है नहीं, तो उनके जगह पे कार्तिक आर्यन को कर दीजिए और अक्षय कुमार सबसे बेस्ट। अब अक्षय कुमार जो ये बॉक्स ऑफिस पे धमाल करके दे देंगे ना, कार्तिक आर्यन से ये उम्मीद है ही नहीं, अक्षय कुमार जो दे देंगे ना नोटों की बारिश बरसा देंगे। अभी क्या दूसरे पार्ट करते जा रहे बस यही सही है, यही तो हम लोग बोलना चाहेंगे भाई, आजकल जितना 2 पार्ट आता सब तो वही कर रहे हैं, सब आजकल के क्या बोलेंगे लव आजकल के बारे में, देखो बुरी तरह नहीं एकदम खलास है मूवी, सही नहीं है। बस यही मैं चाहूंगा कि ये जो अभी अभी हम लोग को लुक मिला देखने के लिए, तो हम लोग सोचा कि अक्षय कुमार सर है, लेकिन जब हम लोग गौर से देखा तो कार्तिक आर्यन थे, तो ये जो है गलत है। मैं तो बोलता हूँ अगर आपने कार्तिक आर्यन को ले भी लिए हैं, अगर मूवी स्टार्ट भी कर दिया, तो मैं यही चाहूँगा कि आप भूल कर रहे हैं, आप अक्षय कुमार को लीजिए और उनको भी रहने दीजिए साथ, क्योंकि एक स्टार उसमें कम है, तो उनके जगह पर उनको रख दीजिए, अगला जब आएगा तो उनको मेन रोल देंगे, तो पब्लिक उनको देखते रहेगी और हो सकता है कि तीसरा भी आपका सुपर हिट रहे। बस